मम्मी मेरा लैपटॉप कहाँ है? वहीं पड़ा है। ओ यहाँ पे कहाँ पे पड़ा है? अरे वहीं पड़ा है वहीं। ओ ये वहीं क्या होता है? कोई नाम पे होता है वहीं वहीं ढूंढी जाऊँ? ओ वहीं होता है। ओ क्या यार? वेलकम दोस्तों, टाइटल से, थंबनेल से और पीछे जो मेरी हालत हुई उससे आपको पता लग ही चुका कि आज का टॉपिक है इंडियन पेरेंट्स। और ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं इंडियन पेरेंट्स की रोस्टिंग नहीं कर रहा, उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनके अजीब अजीब लॉजिक्स और फैक्ट्स के ऊपर बात करने आया हूं। तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में गलत ना आगे, आज शुरू करते हैं। आज 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 तो भाइयों, इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से अगर तुमने अपनी जिंदगी में ऐश ही ऐश करनी है, घूमना फिरना है, सक्सेसफुल होना है ना, तो सिर्फ इनको एक चीज करके दिखा दो, वो है दसवीं। बेटा एक बार दसवीं क्लियर कर लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है, तुम दसवीं क्लियर कर लेते हो। फिर ये बोलते बेटा एक बार बारहवीं क्लियर कर लो, उसके बाद तो सारी जिंदगी ऐश है, तुम बारहवीं भी कर लेते हो। फिर ये बोलते बेटा एक बार ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तो सारी जिंदगी ऐश है, ओए होए सारी जिंदगी ऐश है, तुम ग्रेजुएशन भी कर लेते हो। उसके बाद ये प्रेशर डालते हैं जॉब का। अगर तो बेटा तुमने नौकरी ढूंढ ली फिर तो वेल एंड गुड है, अगर तुमने नौकरी नहीं ढूंढी तो कोई बंदा छोकरी नहीं देगा, अगर कोई छोकरी नहीं देगा तो घर का चिराग तुम्हें गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब यार मेरे को 27 साल की उम्र हो गई, मेरे को आज तक अपने मम्मी पापा के लॉजिक्स नहीं समझ लगे भी, ये कहां से बातें लेके आते हैं, कहां से फैक्ट्स लेके आते हैं, कहां से लॉजिक्स लेके आते हैं और अपनी गलत बात को भी सही ठहरा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मम्मीज के बारे में, मम्मी के बारे में। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे सारे फ्रेंड्स का प्लान बन रहा है स्विमिंग का, तो वो जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, तो आगे से ना हां ना ना, आगे से कहते वो अगर कुएं में छलांग मारेंगे तो तू भी मार देगा। लॉजिक मतलब मेरे दोस्त इतने फुद्दू नहीं है, वो कुएं में छलांग मारेंगे और वो स्विमिंग का प्लान बना रहे हैं, इट मींस उनको तैरना आता है, और अगर उन्होंने कुएं में छलांग मार भी दी तो वो बाहर आ जाएंगे। ओ मम्मी लॉजिक। इंडिया में कोई ऐसी मम्मी नहीं है जिसने अपने बेटे या बेटी को ये ना बोला हो, अपना फेवरेट डायलॉग ना मारा हो, आग लगे तेरे फोन को, और ये डायलॉग तब तक वैलिड होता है जब तक उस मोबाइल पे मासी का फोन ना आ जाए। अगर भाई साहब मासी का फोन आ जाए ना तो मम्मी दुआएं लेने लग जाती है मोबाइल फोन बनाने वाले को। ए, सही है मम्मी है? मेरे को ये चीज नहीं समझ लगी, मम्मी बैठी है जलंधर में, मासी बैठी है राजस्थान में, इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी, कोई बहुत जरूरी बात नहीं करनी होती, इन्होंने बात करनी होती है रेसिपीज पे, और रेसिपीज भी कोई चिकन मटन पे नहीं, आलू बड़ी पे। साला आलू बड़ी कौन खाता है यार, उसकी ढंग से शक्ल देख लो तो चार दिन नींद ना आए, ये लोग रोज बना देते हैं। मम्मी के हिसाब से तुम्हारे घर में अगर कोई भी चीज गलत हो रही है ना तो उसकी वजह मैं ही हूँ, चाहे बत्ती चली गई हो, चाहे झाड़ू में से तीले कम हो गए, चाहे घर की छिपकली ने कॉकरोच खा लिया हो। तो मेरी मम्मी का सिर्फ एक ही डायलॉग होता है, वजह तुम हो। इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है एक मिडिल क्लास का बच्चा, हमारे जैसा बच्चा, उसको उसके घर वाले ही नहीं पूरे पढ़ रहे होते, उसको उसके माँ बाप ही नहीं पूरे पढ़ रहे होते, जो बाहर वाले भी उसके मारने आ जाते हैं। मतलब अमीरों का लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, उनके घर में शादी भी हो रही हो ना तो डेस्टिनेशन वेडिंग, दूर जाके किसी को कानो कान खबर नहीं, बच्चा भी हो रहा हो तो किसी को पता नहीं, कानो कान खबर नहीं, एक दूसरे को गिफ्ट भी दे रहे हैं तो किसी को नहीं पता लगता। हमारे घर अगर CFL का बल्ब भी लेके आना है ना तो लाने से दो दिन पहले साथ वाले घर को पता होता है। मम्मी के हिसाब से टीवी साफ करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी सारा टाइम किचन में काम करेगी, बालकनी में काम करेंगी, टेरेस पे काम करेंगी, लॉबी में काम करेंगी, घर से बाहर काम करेंगी, लेकिन ये टीवी उसी टाइम साफ करेंगी जिस टाइम तुम फुल कॉन्सेंट्रेशन से एक टीवी देख रहे हो। मतलब यार मैं सही में बता रहा हूं, मैं 100% प्योर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूं, क्योंकि मैं अभी भी अपने शरीर के साइज से एक दो नंबर ऊपर के कपड़े लेता हूं ताकि मेरे को अगले साल भूले आ जाए। और मेरे को ये नहीं समझ लगता ये मम्मियों को कौन सा जिंदगी का मजा आ जाता है, जितना शरीर है उतने साइज के कपड़े ले लो, लेकिन नहीं, दो दो नंबर ऊपर लेने हैं। एक तो छोटे होते मेरा वल्गर मुंह, ऊपर से पतला सा शरीर, सर्दियों के दिन 12-12 कपड़े और इतने बड़े बड़े साइज के कपड़े, कतई चलता फिरता बरगद का पेड़ लगता था, डेडली आर्ट कॉम्बिनेशन। और भाई साहब स्कूल की पैंट, 4 साल मैंने एक ही पैंट के साथ निकाले हैं, ये नहीं कि जब मैंने क्लास क्लियर की या मैं लंबा हो गया या मैं साइज में बड़ा हो गया तो मेरे को नई पैंट मिल जानी है, नहीं, उसी पैंट के 2 इंच पोंछे खोल देने और पीछे से कमर खोल देनी है। बाकी लोग इतनी महंगी महंगी पैंटे पहनते थे, हम सस्ती पहनते थे DK लिख के, और मम्मी जब भी उसकी कमर खोल देती थी ना तो DK में सोशल डिस्टेंसिंग आ जाती थी, D मेरे लेफ्ट वाली साइड पे होता था, K मेरे राइट वाली साइड पे। ऊपर से ब्लैक कलर की पैंट होती थी, व्हाइट व्हाइट धागे दिख रहे होते थे, मम्मी को अगर बोलो मम्मी बेइज्जती हो जानी है, नई पैंट ले दो, नहीं, का पता लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा, किसी को पता ही नहीं लगना, किसी ने नीचे थोड़ा ना देखना, अरे आपको क्या पता यार। और भाई साहब अगर तुमने सारा दिन सिर्फ मम्मी के काम ही किए ना, चाहे वो किचन रिलेटेड हो चाहे वो मार्केट रिलेटेड हो, और अगर तुमने एंड में एक चीज पे आके मना कर दिया ना तो मम्मी का एक ही डायलॉग आएगा, मैंने तुम्हें से एक काम बोला तेरे से वो भी नहीं होता। अब बात करते हैं इंडियन डैड्स यानी पापा के बारे में। मेरा फोन खराब हो गया, मैंने अपने पापा को बोला पापा मेरा फोन खराब हो गया, नया आईफोन 11 लॉन्च हुआ है, मेरे को पैसे दे दो मैं फोन ले आऊं। कहते कितने का? मैंने कहा 1,10,000 का। कहते 1,10,000 का?
मैं तो पुरानी ऑल्टो आ जाए। अरे मेरे को ऑल्टो चाहिए ही नहीं, मेरा फोन खराब है, मैं ऑल्टो की टैंकी में सिम घुसा के फोन करूं। लॉजिक पापा पापा के साथ अगर मैन टू मैन टॉक करोगे या फैमिली गैदरिंग में बात करोगे तो एक ही टॉपिक निकलेगा कि पैसे की कदर नहीं है। मतलब इनके हिसाब से पैसे की कदर सिर्फ पापा को आती है, बाकी जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं उनको पैसे की कदर आती नहीं है। और भाई साहब तुम कतई अपने पापा के साथ बहस नहीं कर सकते, बहस करोगे तुम्हें भी पता है, तुम्हारे बाप को भी पता कि जीतने तुम भी वाले हो, लेकिन एंड में सॉरी भी तुम्हें बोलनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पापा को बागबान पिक्चर का सीन याद आ जाता है। और ये बागबान मूवी बड़ी वाहियत मूवी लगती है, मेरे को इसका लॉजिक नहीं समझ आया कि एक बंदा अमिताभ बच्चन, उसके पांच लौंडे, चार उसको बुलाते नहीं है जो कि उसके ओरिजिनल बच्चे हैं, एक जो अडॉप्टेड बच्चा वो उसको प्यार करता है, तो इसमें तो गलती अमिताभ बच्चन की हुई ना, जरूरी तो ना भी हर चीज यार बच्चों भी आए। और मेरे पापा तो बागबान देख के इतने इमोशनल हो जाते कि अभी दी एंड आया मूवी का और मेरे बेटे ने मेरे को घर से निकाल देना है। और भाई साहब बहस के बाद तुम्हारी गलती हो चाहे ना हो सॉरी तुम्हें ही बोलनी पड़ेगी, अगर तुमने सॉरी ना बोला तो थाली उठा के फेंकना, खाना छोड़ना, मुंह फुला के बैठना, ये पापा के जमाने की आदत है। और जितने भी फादर लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, आप एक चीज हमेशा बार बार बोलते हो कि तुम्हारे टाइम में मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, हम स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, हम टॉर्च के नीचे पढ़ते थे, हम मोमबत्ती के नीचे पढ़ते थे, सारा दिन घर पे वेले बैठे रहते थे, उस टाइम पढ़ लो कि सारा ज्ञान तुम्हें रात को 2 बजे के बाद ही मिलता था। और ठीक है आपने रात को 1-2 बजे के बाद पढ़ाई शुरू की, चाहे वो मोमबत्ती के नीचे, चाहे वो टॉर्च के नीचे, चाहे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे, लेकिन क्या उखाड़ लिया, औलाद तो मेरे जैसे मिली। आज से 15-20 साल पहले की देखे तो सेल फोन, मोबाइल फोन नहीं होते थे और हमारे फ्रेंड्स हमारे लैंडलाइन पे कॉल करते थे, तो अमीर घर के बच्चे उनको जब फोन आता था ना हेलो आंटी वरुण है, तो मम्मियां बोलती थी हाँ बेटा वो वॉशरूम गया, मैं 5 मिनट में कॉल बैक करवा देती हूँ। और हमारे घर वाले जब हमारे दोस्त फोन करते थे हेलो आंटी वरुण है, हाँ वो ना लैटरिन गया पोटी कर रहा है, आता है मैं करवाती हूँ बात, रुक जा 5 मिनट। ये क्या होता है यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आया जिंदगी में कि हमारे घर वालों को हमारे दोस्तों के सामने होलसेल में सुसु पोटी कराने में कौन सा मजा आ जाता है। और सीधी जरा पैसे देने का रिवाज सिर्फ अमीरों के घर में है, अगर तुमने अपने घर वालों से पैसे मांग लिए तो पहले तो आपको लेक्चर मिलेगा जो कि मोदी जी के मन की बात से भी लंबा लेक्चर होगा, और उसके बाद भी आधे पैसे मिलेंगे। मैंने अपने पापा को बोला मेरे को पिज्जा खाने के लिए 500 रुपए दे दो, वो इतना शौक हुआ कहते हम 4 भाई बहन 250 रुपए में पूरा घर चलाते थे तेरी उम्र में और तुझे 500 में एक पिज्जा खाना है, तो यार दादाजी की गलती है ना, उनको नौकरी लगवा देते तो तुम्हारा खर्चा कम हो जाता। तो मेरे नगीनो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल पे नए हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशंस के लिए। और भाई यार वीडियोस मेरी चल नहीं रही है आजकल, तो मैं एम कर रहा हूं 75,000 लाइक्स का, कैसे भी करके मेरे को नहीं पता 75,000 लाइक्स जरूर लेके आना, मिलते हैं।